वेलकम टू मार्वल फ्यूचर फाइट इन इंडिया। तू चलिए शुरू कर दे, तू रुकावट के लिए खेल दे। माफ़ की अचानक जानते हुए बात बताता नहीं मैं, लेकिन अभी आगे देखते चलो। फटाफट आईडी चेक करते, ज़्यादा टाइम पास करना अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर जैसे ही गेम स्टार्ट होता है मैं तुरंत फटाक से जाता हूँ और चेक करता हूँ। रवि शर्मा जी और रुद्र पटेल का पिछले वाले जो छोटा सा वीडियो बन गया जिसमें रुकावट के लिए खेद है, तो वो वीडियो में दो जन की हो गई है। उसके आगे लेता हूँ मैं। यहाँ पर है आयुष 3004। डैमेज प्रॉक का परसेंटेज बढ़ाओ, बाकी सब एकदम फर्स्ट क्लास है। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम लग नहीं रही है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पर फिजिकल अटैक का एक उरू है, जो कि गलत बात है। फिजिकल अटैक के दो उरू होने चाहिए किसी भी हाल में। यहाँ पर एनर्जी अटैक का उरू दिया हुआ है जो कि गलत है, इसको रिमूव करो। हाउ टू सेट उरू, ये वीडियो आपको देखना पड़ेगा, ज़रूरत है। आयुष भाई समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ मैं। इसकी बटन की तो ऐसी की तैसी। हाँ कहाँ गया क्विक सिल्वर। आपको हाउ टू सेट उरू ये वीडियो देखना पड़ेगा और आई सेट का भी एक बार देख ही लो, पास समझ में आ जाएगा। और गोल्ड की कमी की वजह से अगर ऐसा होगा तो ठीक है, अदरवाइज गोल्ड आपके पास भरपूर होगा। और आप ऐसी गलती मिस्टेक कर रहे हो तो ये बहुत गलत बात है, आपको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। और मेरे जो कैरेक्टर्स हैं उनकी कॉपी करो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और मेरा आईडी तो मैंने दे रखा है सबसे ऊपर में ही है वीडियो के। जैसे ही डिस्क्रिप्शन सबसे पहले ओपन करूँगे तो वहाँ पे ही लिखा हुआ है, अलायंस का नाम लिखा हुआ है, मेरा आईडी लिखा हुआ है, फेसबुक आईडी है, नीचे सारे दुनिया भर का सब लिंक है। स्पाइडरमैन को माइंड डैमेज कौन देता है मेरे भाई? रिकवरी रेट भी नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। ऑब्लिस्क रिमूव करो इसको। क्रिटिकल डैमेज गार्ड भी कम्युनिटी प्लस इनविजिबिलिटी या फिर कुछ और आता है तो बहुत बेटर रहेगा। ठीक है ये सही है, ऑब्लिस्क है, लाइटनिंग डैमेज है, ऑल डिफेंस है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। 120% का डैमेज पॉक है, चलो ये ऑब्लिस्क थोड़ा सही है। यहाँ पर डॉच की देने की ज़रूरत ही नहीं है। डॉच देखिए आप लोग अपने कैरेक्टर को पूरा वीक बना रहे हो, डॉच मत दो ऐसे कैरेक्टर को। ऐसे कैरेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल अटैक और क्रिटिकल डैमेज के उरू दो, ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत सारी वीकनेस है यहाँ पर, मेरा थोड़ा एक झटके में मार देगा। ऑल अटैक 32, क्या बात है। फिजिकल अटैक 13%, एनर्जी अटैक 6%, इग्नोर डिफेंस 6%। अरे रे इग्नोर डिफेंस 6% है, काम नहीं जमेगा। कूलडाउन ड्यूरेशन 18% पे। इसकी साउंड की वैसी की तैसी।
कार्ड अच्छे हैं लेकिन उतने भी खास नहीं है, जो हमें चाहिए वो नहीं है, जैसे इग्नोर डिफेंस नहीं है और कूल डाउन ड्यूरेशन भी नहीं है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। बाकी एकदम कार्ड अच्छे हैं, यहाँ पर तीन कार्ड तो अच्छे हैं, तीन या चार पकड़ लो। मेरा ब्रश कहाँ गया, ब्रश यहाँ पर है। ये चार कार्ड अच्छे हैं, ठीक ठाक है, लेकिन ये जो स्पाइडरमैन का कार्ड है इसमें थोड़ी दिक्कत है। यहाँ पर डॉज है और ऑल अटैक है, माला कि यहाँ पर ऑल अटैक है लेकिन डॉज का क्या काम, डॉज की जगह पे कुछ और होता तो मज़ा आ जाता। ठीक है चलो, फिलहाल बेसिक, अगर मैं बेसिक लोगों से कंपैरिजन करूँ, बेसिक प्लेयर से, तो आपके कार्ड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है बेसिक कैरेक्टर से कई गुना ज़्यादा, तो मेरे ख्याल से ठीक है, लेकिन समय के साथ साथ उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करते रहो। क्रिटिकल डैमेज, फायर डैमेज, क्रिटिकल डैमेज तो दिया वो तो समझ में आता है, लेकिन फायर डैमेज क्यों दिया मेरे भाई, कुछ और भी देता, इनविजिबल या फिर डैमेज प्रॉक तो बहुत बढ़िया रहता गार्ड पे कम्युनिटी के साथ। सबसे ज़्यादा मुझे उरू का बड़ा प्रॉब्लम लग रहा है यहाँ पर, मतलब हर कोई ना कोई प्लेयर ना एक गलती करता ही है, वो है उरू। भले आइसोड लग दिखे ना दिखे, लेकिन उरू ज़रूर दिख जाता है हर किसी के पास। बहुत ही ऐसे कम प्लेयर है जिनका कोई मतलब कोई भी ऐसा वीकनेस पॉइंट नहीं है जहाँ जहाँ दिखता है, ये तो उरू का। देखो यहाँ पर कितने सारे डिफेंस वाले उरू लगा रखे हैं, कितने सारे, मतलब टोटली कैप्टन को वीक बना डाला है। पावरफुल होना चाहिए था, उसके बजाय वो वीक हो रहा है। यहाँ पर भी सेम वैसी, यहाँ पर भी डिफेंस वाले उरू दे रखे, किसी काम का नहीं है डिफेंस उरू। यहाँ पर भी फिजिकल डिफेंस, अरे मेरे भाई सुनो रे बाबा, इतनी बार मेरी जितने भी आईडी चेकिंग की वीडियो क्या, हर एक बार मेरे टाइटल में डिफेंस ओरू रिमोव लिखा था, फिर भी ये लोग ध्यान नहीं देते, फिर भी पढ़ते नहीं है लोग, लगता स्मार्ट नहीं बनते, बेवकूफ़ी लगता। कोई एक बंदा रहा उसको एक बार भी इशारा करते तो समझ जाता है कि क्या बोल रहा है बंदा, क्या करने को बोल रहा है, एग्जैक्टली समझ जाता है, लेकिन ये तो बताने के बाद भी बेवकूफ़ी वाली बात हो गई, मतलब काला अक्षर भैंस बराबर। ठीक है शिबस करम, अब यहाँ पे जो मिस्टेक दिख रही है यहाँ पर उसको ठीक करो, उसके बाद में आगे के लेवल पे जाना। जब तक वो बेसिक जो सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है उसके अंदर से अगर ये वीकनेस हटाऊंगी नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान, भारी नुकसान हो सकता है। ठीक है तो मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, और डिफेंस उरू रिमूव करो, टाइटल में भी डाल देता हूँ डिफेंस उरू रिमूव, सॉरी सॉरी रिमूव डिफेंस उरू, उरू हो गया, बाकी ऑब्लिस हो गया, डिफेंस वाले सिस्टम हटा वहाँ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस बनाते हो कैरेक्टर को, कमज़ोर बना देते हैं। बाद में फिर आप बोलते हो कि स्कोर नहीं कर रहा, वो अल्टीमेट बोला उसमें आगे की स्टेज में नहीं आ रहा, चैप्टर 13 क्लियर नहीं हो रहा, तो ये सब रीज़न है, ये रीज़न के वजह से आप लोग क्लियर नहीं कर पा रहे हो, इसी रीज़न के चलते। मुझे लगा ही था यहाँ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, लगा ही था, मेरा शक सही था। पहले ही मुझे देख के समझ जाना चाहिए था। कार्ड में इफेक्ट उतना ज़्यादा कुछ खास देखने को यहाँ पर मिल नहीं रहा है, ऑल अटैक है, फिजिकल अटैक है, एनर्जी अटैक भी है, इग्नोर डिफेंस भी है, कूलडाउन ड्यूरेशन नहीं है भले, लेकिन बाकी का जो अटैक सिस्टम है थोड़ा अच्छा है, मतलब थोड़ा अच्छा है, नॉर्मल कैरेक्टर के कंपैरिजन में अगर मैं कंपेयर करूँ तो उससे हिसाब से तो ठीक ठाक है। सीटीपी ऑफ एनर्जी कैप्टन को, केबल को, डेडपूल को, इनमें से किसी को दे दिया होता तो मैं कुछ ना बोला होता, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज को दिया ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए एक येलो कलर का सिटी पे आता है जिसके अंदर गार्ड बैक इम्यूनिटी, क्रिटिकल डैमेज, इनविजिबिलिटी या फिर डैमेज प्रॉक, दो में से कोई एक है उसके अंदर ऑप्शन है मुझे याद नहीं है, तो वो अगर दे दिया होता तो बहुत पावरफुल होता डॉक्टर स्ट्रेंज, लेकिन ये सिटी पी की वजह से ये और भी ज़्यादा वीक हो जाएगा, खासकर टेम्पल मेटल में या फिर अल्टीमेट वोल्बॉस में उतना काम नहीं आएगा,
लेकिन फिर भी डैमेज ब्लॉक रहेगा तो मेरे ख्याल से उतना स्कोर कर लेगा, मतलब अल्टीमेट बोलकर जो ब्लैक डॉर्फ है उसको मारने के लिए काम आ जाएगा, लेकिन बाकी का जो टाइमलाइन बटन में अगर यूज़ करते ही नहीं करते उस पर डिपेंड है, फिर थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। चलो यहाँ पर कोई भी डिफेंस टाइप या बकवास उरू यहाँ पर लगा हुआ नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट किया हुआ है। एक डिफेंस उरू लगाने से अच्छा है कि आप उरू दो ही ना, मतलब खाली बॉक्स रखो, खाली एम्प्टी बॉक्स रखो, लेकिन वहाँ पर डिफेंस वाले उरू मत लगाओ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर चौथा गियर इनका दिख रहा है, गियर में सिर्फ दो ही उरू दिए हुए, दो नहीं तीन, तो यहाँ पर बाकी के जो दो है वो दिए नहीं, तो ये ऐसा करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि डिफेंस वाले देखिए मतलब नहीं है कैरेक्टर को वीक बनाने का, कोई सेंस नहीं है। यहाँ पर देना चाहिए था सीटीपी, वहाँ दे रखा, डॉक्टर स्ट्रेंज को दे दिया, अब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं है बोलने के लिए। मेरे ख्याल से अभी नया नया प्लेयर है तो मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी भी यहाँ पर बहुत से ऐसे कैरेक्टर हैं जिसके ज़्यादा कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं है। यहाँ पर यूनिफॉर्म है हीरोइक थॉर का, प्रीमियम कार्ड भी मिलने का पेंडिंग है, उस पर भी काम चल रहा होगा, क्विक सिल्वर में भी अभी भी काम चल रहा है, लेवल है 55, वन स्टार का है, तो मेरे ख्याल से बाकी काम पर फोकस होगा। स्पाइडरमैन तो टायर टू है ही नहीं, वाह बेटा वाह शाबाश। अब बेसिक में हमेशा बोलता हूँ कि बेसिक एवेंजर्स को पहले तैयार करो, उसके बाद में बाकी के कैरेक्टर्स को करो, लेकिन कोई सुनता ही नहीं, जान दो जिसकी जैसी करनी वैसा फल, मैं क्या बोलूँ अभी। चलो यहाँ पर कुछ अच्छा देखने को मिला अभी, यहाँ पर किसके आईडिया है, स्वप्निल डी वोल्व, अभी ये जो आईडिया है इसमें प्रीमियम कार्ड है, उम्मीद करता हूँ कि इसका स्टेट थोड़ा अच्छा होगा, यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। अटैक स्पीड है 14, क्रिटिकल अटैक 11, क्रिटिकल डैमेज 10, ऑल अटैक 21, फिजिकल अटैक 6, एनर्जी अटैक 16 और इग्नोर डिफेंस 34, कूलडाउन ड्यूरेशन 20% पे, क्या बात है, इसको कहते हैं इंप्रूवमेंट, बहुत बढ़िया अच्छे तरह से लगाया हुआ है, बढ़िया। मेरे हिसाब से कार्ड में जो इफेक्ट है और स्टेट है बहुत बढ़िया तरीके से लगाए हुए है, शाबाश, सीखो इससे कुछ। यहाँ पर सीटीपी को थोड़ा रोल करना चाहिए मेरे ख्याल से, 180% का डैमेज पॉक या 200% का डैमेज पॉक लाने की कोशिश करो तो बहुत अच्छा रहेगा। एक मिनट यहाँ पर गड़बड़ है, क्रिटिकल अटैक अरे अरे यहाँ पर भी वीकनेस है ही, कितना भी मैं बोल लूँ लेकिन कोई ना कोई प्लेयर यह गलती करता ज़रूर है, फिजिकल डिफेंस वाले उरू दे देता है, बार बार बताने के बाद भी, इतने सारे मैंने 15 आईडी चेकिंग के वीडियो बनाए, मैंने 14 पकड़ लो, उसमें हर किसी में मैंने बताया कि जो डिफेंस सिस्टम वाले उरू है उसको हटा, वहाँ से कचरा है, वो कचरे को साफ़ करो, लेकिन ये लोग साफ़ करते ही नहीं, वाए। उसके जगह पे अगर फिजिकल अटैक वाले दो उरू दिया होता अगर हर गियर में, तो कैप्टन का जो अटैक है वो 29,000 से लेके 33,000-34,000 हो गया था, जैसे लगभग मेरे कैप्टन जो मेरा कैप्टन का जो अटैक है, अटैक सिस्टम है, वो 34,000 के आसपास कुछ बैठता है, 39,000, तो यहाँ पर वो हो जाता अगर यहाँ से डिफेंस सिस्टम अगर उरू हटा दिया जाए ना, तो बहुत बढ़िया कैप्टन बनेगा, लेकिन ये सुनते कहाँ है मेरी, करो जिसकी जैसी भरनी वैसी करनी, करो मेरा क्या है, मेरा क्या जा रहा, मेरा तो कुछ नहीं जा रहा, मेरा काम है बताना, आपका काम है करना। नेक्स्ट आईडी, अरिता बासु कैंसर बोल रहा है, चलो देखते हैं फिर से दोबारा कॉल के।
ठीक है, नेक्स्ट आईडी ले लेते हैं। अगर इसमें आईडी में कोई मिस्टेक हो गया तो वो डबल से दे देना, मैं नेक्स्ट टाइम आईडी चेक कर ला दूंगा। ठीक है, अरिता बासु इंप्रूवमेंट कर लेना, अगर आईडी गलत दी होंगी तो वहाँ पे चेक कर लेना, अरिता बासु। बस इसके आगे नहीं बोलूँगा अभी। ऐसी आईडी कौन बना था भाई? हार्ड्रा हीरोज मुझे हीरो बोला था या कुछ और हीरो बोला तो बात समझ में आई थी, लेकिन हार्ड्रा हीरो से ये कहाँ से हुआ भाई? हार्ड्रा के हीरोस कार्ड में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, फियर इफेक्ट का दिया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर नीचे में फायर रेसिस्ट है, यहाँ पर ना क्रिटिकल डैमेज होना चाहिए था। फियर इफेक्ट तो है, ठीक है चलो, फियर इफेक्ट दिया तुमने बाकी से बचने के लिए, बाकी को डैमेज करने के लिए दूसरे अपोनेंट वाले को, लेकिन यहाँ पर क्रिटिकल डैमेज नहीं है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर बाकी जो है ना और ज़्यादा कमज़ोर बन गया है। ऊपर से यहाँ पर उरू भी गलत दिए होंगे कहीं ना कहीं। हाँ मैंने सही पकड़ा, उरू भी गलत दिया है। डिफेंस वाला उरू वहाँ पर एक दिखा सेकेंड गियर में, और चौथे गियर में एक है, तो इससे टोटली ये वीक बन गया है। इसका अटैक सिस्टम उतना ज़्यादा खास नहीं है क्योंकि यहाँ पर उरू गलत दिए हुए है। उसके बाद में आईएसओ काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ऑब्लिस्क में तो उतना कुछ खास है नहीं, इसको ऑब्लिस्क में भी इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद में कैप्टन अमेरिका शेनोरिस शेरानी बोलता हूँ, डरे डरे बहुत लंबा नाम है। चलो ये थोड़ा ठीक ठाक लगा, यहाँ पर कम से कम नई उरू दिया था वो बेटर है। यहाँ पर कैप्टन अमेरिका का चौथा जो गियर है उसमें डॉच की जगह पे इग्नोर डॉच, इग्नोर डिफेंस या फिर क्रिटिकल डैमेज ये रखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। स्कूल डाउन की स्किल कूल डाउन ड्यूरेशन ये भी रखूँगा तो चलेगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ, फेयर दिया हुआ है, इग्नोर डिफेंस दिया हुआ है, इंडिविजिबल 2 सेकंड इसके लिए। नहीं भाई नहीं, ये ऑब्लिस काम नहीं आएगा, इसको चेंज करो, इसको गार्ड बैक इम्यूनिटी, क्रिटिकल डैमेज, इग्नोर डिफेंस या इग्नोर डॉच, उसके बाद में इनविजिबल या फिर डैमेज रॉक। ठीक है समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक से सुनना, अगर इग्नोर किया तो नुकसान आपका है, मेरा कुछ नहीं आएगा, मेरा तो गेम चल ही रहा है। हेला के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, हेला के जो मर्जी आए वो करो, मुझे क्या है, मेरा तो काम चल रहा है। स्पाइडरमैन का अभी अपग्रेड नहीं किया, बहुत से कैरेक्टर जो स्पाइडरमैन को कोई वैल्यू नहीं देते, बाद में बोलते हैं कि भाई हम लोग ये नहीं कर पा रहे वो नहीं कर पा रहे। द मैड वॉरियर आए, चलो देखते हैं यहाँ पर क्या है। कार्ड में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बाकी सब ठीक ठाक है नॉर्मल प्लेयर्स की तरह। जैसे मैंने अभी 2-3 आईडी चेक किया, कितने मिनट के अंदर, लगभग मैंने 18 मिनट के अंदर जो मैंने आईडी चेक किया अभी तक वैसे ही सेम कार्ड्स है, तो उसके लिए हैशटैग मैं सेम बोलूँगा अभी मैं। ठीक है तो सबसे पहले वहाँ पर जाके चेक कर लेना, पूरा समझ में आ जाएगा। हैशटैग सेम उरू के बारे में, हैशटैग सेम आईसोड के बारे में, हैशटैग सेम ऑब्लिस के बारे में। अब स्टार्टिंग में जो जो मैंने बोला था वो सब देख लो अभी, सुन लो बोल लो, जो भी मैंने बोला था वो सब देख लो अभी, बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर करके थक गया हूँ मैं अभी, बहुत हो गया, बड़े प्यार से समझा रहा था लेकिन प्यार की भाषा समझ में नहीं आ रही। चलो कुछ तो अच्छा यहाँ पर दिखा, यहाँ पर एक भी डिफेंस वाला उरू नहीं है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही अपग्रेड करते रहो और बाकी सब कैरेक्टर को ऐसे ही देना, ये बहुत बढ़िया है, काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट किया है कैप्टन का, बहुत बढ़िया। चेंज मत करना इसके अंदर द मैड वॉरियर, ठीक है कैप्टन के अंदर कोई भी चेंजेस मत करना, बस अपग्रेड करते रहना, अपग्रेड आने बस उसी को लेके थोड़ा सा नंबर बढ़ाने की कोशिश करना, लेकिन उसके अंदर कोई भी चेंजेस मत करना। ठीक है यहाँ पर डिफेंस वाला उरू है, इसको रिमूव करो, इसको फिजिकल अटैक, HP, क्रिटिकल डैमेज ये सब दो तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देगा स्पाइडरमैन। टर्मिनोमीटर में भी ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का मदद करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा खतरनाक से खतरनाक टायर 3 कैप्टन वाले को भी तक के पछाड़ के निकालेगा स्पाइडरमैन, अगर अच्छा खासा अच्छा उरू वगैरह दिया तो, अदरवाइज मुश्किल है फिर।
क्विक सिल्वर के भरोसे मत बैठो। क्विक सिल्वर जो है कैरेक्टर जो है काफ़ी बार कैप्टन के ऐसी पिटाई भी हो चुकी है। स्कारलेट विच भी मार सकती है, फोनिक्स भी मार सकती है, थानोस भी मार सकता है। तो उसका क्विक सिल्वर के भरोसे मैच जीतने की कोशिश मत करना और इसमें ज़्यादा ध्यान मत देना। स्पाइडरमैन के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना क्योंकि स्पाइडरमैन कई गुना ज़्यादा बेटर है क्विक सिल्वर से। लेकिन क्विक सिल्वर जो है आई फ्रेम के जरिए मार देता है कभी कभी, लेकिन आई फ्रेम से निकल गया और समझो किसी के हाथ चढ़ गया, एग्जाम्पल स्ट्राइप के हाथ तो चढ़ गया या फिर स्कारलेट विच के हाथ में या उसके स्किल्स में फंस गया है, माइंड डैमेज में फंस गया या फिर उसके साइलेंस साइलेंस हो गए स्किल्स, तो फिर क्विक सिल्वर कुछ नहीं कर सकता। फिर सिर्फ डिफेट ही मिलेगा आपको और कुछ नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा फोकस करने से अच्छा सभी कैरेक्टर को लेके चलो, एक कैरेक्टर पे पूरा अपना ताकत और सब कुछ मत लगाओ, सभी कैरेक्टर को इक्वल रखो ताकि आपको अगर कोई भी कैरेक्टर बैन होता है किसी स्टेज में, समझो टर्मिनल मेटल में बैन हो गया, तो दूसरे कैरेक्टर का आप यूज़ करके कम से कम वो क्रिस्टल या जो भी आपकी जरूरत भी चीज़ है वो आप हासिल कर पाओगे। ठीक है, समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। बहुत बढ़िया उरू लगा यहाँ पर, कोई भी मुझे यहाँ पे डिफेंस वाला उरू नहीं दिखा है। बहुत बढ़िया वोल्वरिन, वोल्वरिन का जब तक टायर थ्री नहीं आएगा तब तक ये वोल्वरिन वीक ही रहने वाला है। इसको किसी तरीके से टायर थ्री दे देने चाहिए गेम डेवलपर ने, काफ़ी लेट दे रहा है पता नहीं क्यों। अब एक बार जिस कैरेक्टर के जिस कैटेगरी के जैसे एक्समैन के एक बार कैटेगरी को जिसने छेड़ दिया, मैग्नेटो को टायर थ्री दे दिया, तो वोल्वरिन को भी टायर थ्री दे देना चाहिए था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीक है कैप्टन के सामने और कैप्टन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि एक दो मुक्का मारा कि वोल्वरिन वहीं पर डेथ। और एक समय ऐसा था कि वोल्वरिन को मारना बहुत मुश्किल था, अब वोल्वरिन को ऐसे मारते हैं स्पाइडरमैन में आता है ऐसे धोखे चले जाता है, मतलब वोल्वरिन की कोई औकात नहीं है गेम में, ऐसे कुछ समझ लो। कहीं ना कहीं वीक पॉइंट दिख ही जाता है बार बार। लास्ट में वीडियो के लास्ट जब एंडिंग होगा तब वहाँ पर चार मैं आपको थंबल दे दूँगा। उस थंबल के अंदर हाउ टू सेट उरू, हाउ टू सेट ऑब्लिस्क, हाउ टू सेट उरू ऑब्लिस्क और क्या था आई स्वेट, ये तीन वीडियो के लिंक मैं आपको दे दूँगा, वहाँ पर कार्ड में भी शो हो जाएगा और लास्ट में भी दिखेगा और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर देखो। नहीं देखा तो बाद में आप स्टेज नहीं खेल पाओगे, स्टेज नहीं खेल पाओगे तो कुछ काम की नहीं, एकदम यूजलेस, ऐसा सब समझ लेना। ठीक है, अब मैं बार बार बोल बोल के थक गया हूँ मैं भी। रिजेक्ट भाई, अभी मैं आईडी चेकिंग कर रहा हूँ, अभी तो मत कर मेरा भाई, अभी तो मत कर, बीच बीच में ऐसे भेजोगे तो मेरा पूरा काम कर लेना रहेगा। यहाँ पर बोल देता हूँ कैंसिल करने के लिए, वरना मेरी बैंड में जाके रख देंगे लोग। फिर से रिजेक्ट, भाई आईडी चेक कर रहा हूँ, प्लीज़ डिस्टर्ब मत करो। वैसे भी मेरा मोबाइल कुछ सपोर्ट नहीं करता वो GBR, तो प्लीज़ मुझे उसकी रिक्वेस्ट मत भेजो। अरे यार शिट, मैं इतने महीने से मैंने लिखा था सब गया, वो वापस से टाइप करना पड़ेगा। अब अरे यार अभी नहीं बोला था मैंने, यहाँ पर अटैक स्पीड कार्ड में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, हैशटैग सेम। उसके बाद में यहाँ पर और क्या था, यहाँ पर डेडपूल भी दिया हुआ है, डैमेज पॉक वाला सिटी भी ठीक है।
यहाँ पर ऐसे कोई भी मिस्टेक लग नहीं रही है कि यहाँ पर कुछ मैं बोलूँगा, एकदम परफेक्ट तरीके से उरू दिया हुआ है। भले ज़्यादा रैंकिंग के नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे उरू दिए हुए हैं, दो एनर्जी अटैक के उरू बहुत बढ़िया तरीके से दिए हुए हैं, बहुत बढ़िया। क्या नाम है भाई? यश, यश मेरे भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छे तरीके से ऐसे ही करते रहो। बस थोड़ा सा ऑब्लिस में एक गड़बड़ है, यहाँ पर ऑल डिफेंस है, ऑल डिफेंस वाला उरू मत दो इसको, इसके जगह पे दूसरा कुछ दो, गार्ड भी, इम्यूनिटी, इग्नोर डॉज या फिर इनविजिबिलिटी, डैमेज प्रॉक, जो भी देना है दो, लेकिन ऑल डिफेंस का मत दो, ठीक है? और ध्यान से सुन लेना, क्रिटिकल डैमेज, कोल्ड रेजिस्टेंस है, 110% का डैमेज पॉक है। इससे बेटर अगर डैमेज पॉक मिलता है गार्ड बैक इम्यूनिटी के साथ या क्रिटिकल डैमेज के साथ, इग्नोर डॉज के साथ या इग्नोर डिफेंस के साथ, तो वो देना बेटर रहेगा। अभी का तो ठीक है, अभी का रख लो, लेकिन जैसे ही नया बना लेते हो तो वहाँ पर दे देना, ठीक है? अरे हाँ भाऊ, भुवन शर्मा तेरा हो जाएगा भाई, शांति रख। अब बोलोगे कहाँ से बोला, ऊपर से बोला, वो अलायंस का मेंबर है ना, वो तो बोलेगा ही, अभी क्या करे। वो देखो वहाँ पर, वो देखो क्या कमेंट किया अभी इन लोगों ने। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, यहाँ से भागना बेटर है, काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा फिर वैसे से। चलो ठीक है, और भी अच्छे, रैंकिंग उतनी अच्छी नहीं है लेकिन अच्छे तरीके से दिया हुआ है, दो फिजिकल अटैक टाइप के दो अच्छे से दिया हुआ है, बहुत बढ़िया, बराबर फॉलो कर रहा है, एक भी वीकनेस यहाँ पर पॉइंट देने का यहाँ पर बिल्कुल भी चांस नहीं मिला है, बहुत बढ़िया। नहीं उतने अच्छे उरू है लेकिन बेटर तो दिया, कम से कम सही तो दिया है, गलत देने से अच्छा है कम से कम कम रैंकिंग के दो लेकिन सही दो, बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया, शाबाश। एक थोड़ी यहाँ पे गलती हुई, एक तो यहाँ पे आइसोट नहीं है, ठीक है, हो सकता है गोल्ड की कमी की वजह से हो, तो यहाँ पर ऑब्लिस भी थोड़ा अच्छा वाला देना, लाइटनिंग डैमेज प्लस डैमेज पॉक या गार्ड बैक इम्यूनिटी, उसके साथ में डैमेज पॉक या इनविजिबल, इनविजिबल मेगा से टेम्पल मेटल में उतना खास परफॉर्मेंस नहीं करेगा। थॉर रैग्नारोक का यूनिफॉर्म ले लेना, उसको मिथिक कर लेना, मिथिक करने लायक एक ताकत इकट्ठी कर लेना पहले, उसके बाद में यूनिफॉर्म परचेस करना, ठीक है? तो वहाँ पर प्रीमियम कार्ड मिलेगा, प्रीमियम कार्ड मिलने के बाद कार्ड में सेट कर देना ऑल अटैक, कूलडाउन ड्यूरेशन, इग्नोर डिफेंस बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे जो कैरेक्टर का जो एनर्जी अटैक है वो भी बढ़ जाएगा, और वहाँ पे जो फिजिकल अटैक है टाइप कैरेक्टर है, जैसे कैप्टन हो गया, स्पाइडर हो गया, इनका भी अटैक बढ़ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे फॉलो करना, और कमेंट करते रहना, कमेंट में पूछते रहना, ताकि मैं आपको समय समय पर रिप्लाई देता रहूँ और गाइड करता रहूँ, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। पिछले बार भी आईडी चेक किया था, कुछ ही दिन हुए थे जहाँ तक मुझे याद है। कार्ड में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बाकी सब एकदम फर्स्ट क्लास है, थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसके बाद में यहाँ पर डैमेज पॉक दिया हुआ है, डैमेज पॉक में थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, 180 160, उसके बाद में 200% तक लाने की कोशिश कर सकते हो तो करना, ट्राई करना। उसके बाद में ओवरड्राइव आइसोट दे रखा, बहुत बढ़िया। उसके बाद में फिजिकल अटैक, क्रिटिकल डैमेज, क्रिटिकल रेट, क्रिटिकल ड्यूरेशन, चलो ठीक है, आइसोट भी ठीक है, उरू भी ठीक है, ऑब्लिस भी ठीक है, सिटी भी ठीक है, चलो। भाई ये जो बाकी को जो ऑब्लिस दिया हुआ है, इसके अंदर गार्ड बैक इम्यूनिटी दो बार आ गया, तो गार्ड बैक इम्यूनिटी की जगह पे इनविजिबल 3 सेकंड्स के लिए, इसलिए ठीक है, चलो ओके कोई बात नहीं, लेकिन क्रिटिकल डैमेज होना चाहिए था जिससे ये डैमेज ज़्यादा से ज़्यादा कर पाता बाकी। ओके यहाँ पर उरू भी सही तरीके से लगाए हुए है, चलो ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन है यहाँ पर? क्विक सिल्वर, चलो हल्क देख लेता हूँ, हल्क यहाँ पर क्या इम्प्रूवमेंट है, चलो ये भी ठीक ठाक है। उसके बाद में शेरॉन, गार्ड बैक इम्यूनिटी 140% का डैमेज प्रॉक, ऊपर से वेव इम्यूनिटी, चलो टेम्पलम मेटल भी यूज़ कर सकता है बंदा, और जो अलाय सॉरी 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 अल्टीमेट वर्ल्ड बॉस में वहाँ पर भी यूज़ कर सकता था, बहुत बढ़िया। क्या बात है, और एक सिटी भी 180% का डैमेज प्रॉक केवल को, बहुत बढ़िया। उसके बाद में गार्ड बैक इम्यूनिटी, माइंड डैमेज और 5 सेकंड्स का इनविजिबल,
बहुत बढ़िया, अच्छा ऑपरेशन दिया हुआ इसको, बहुत बढ़िया। उसके बाद में यहाँ पर वोल्वरिन है 3 सेकंड्स का, रिकोरेट और लाइटनिंग रेसिस्ट। उसके बाद में डेडपूल, बाकी के कैरेक्टर्स का पेंडिंग है। चलो कोई बात नहीं, कर लेना समय के साथ साथ, बहुत अच्छा है। उसके बाद में यहाँ पर कहाँ था मैं, यही था बादल 366, सॉरी 3636। भाई फटना मत मेरे पे, बस पिछले बार बोला था कि कमेंट मिला था यहाँ पर, पढ़ा था मैंने, हर किसी का कमेंट पढ़ता हूँ मैं। आईडी चेक नहीं किया, आईडी चेक नहीं किया तो लो आईडी चेक लो, ये लो। बस सब्र रखा करो, मैं करता हूँ बराबर सही तरीके से, बस आईडी सही जगह मिल जाना तो काम हो जाता इजीली। लोकी का एक प्रीमियम कार्ड है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में यहाँ पर बाकी के जो कार्ड्स हैं उनके लिए इम्प्रूवमेंट होंगे और अच्छे स्टेट होंगे उम्मीद करता हूँ। चलो अच्छे स्टेट है, भले ही उतने ज़्यादा खास नहीं है लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, नॉर्मल प्लेयर के कंपैरिजन में अगर कंपेयर करूँ तो ठीक ठाक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है भाई, बाद में बाद में बाद में, अभी मत करो। फ्रेंड लिस्ट की मैं अलग बनाऊंगा, अलायंस वालों की मैं अलग बनाऊंगा, शांति रखो कर दूंगा। हैशटैग सेम उरु के बारे में क्या बोला, तो जो भी मैं अभी कितने मिनट के अंदर बोला था, 31 मिनट के अंदर जो भी मैंने बोला वो सब सुनो। अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, अगर आपको कैप्टन का अटैक चाहिए, आपका कैप्टन का ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज करना चाहिए, तो आपको डिफेंस वाले उरु हटाना पड़ेगा अभी और इसी वक्त। भले उसकी जगह आप खाली बॉक्स रखे हुए चलेगा, लेकिन आपको वो उरु हटाना है किसी भी हालत में। कम रैंकिंग का उरु दूंगे चलेगा, लेकिन वो डिफेंस वाले उरु नहीं चाहिए किसी भी हाल में। अजीब अजीब बैकग्राउंड साउंड आते नहीं। चलो न्यू प्लेयर है तो थोड़ा यहाँ पर देखता हूँ, कुछ गड़बड़ दिखती है यहाँ पर। स्टन इम्यूनिटी, उसके बाद 10% रिकवरी ऑफ मैक्सिमम एचपी। ये जो ऑब्लिस्क है उतना कुछ खास है ही नहीं, और ना ही ये रिकवरी रेट देगा उतना खास। अभी तो यहाँ पर कैप्टन टायर टू है, सिर्फ टायर टू है। मेरे भाई ऐसा मत करो, मेरे अपने कैप स्पाडो को दिया हुआ है 66 एचपी, जो उसकी लेवल बढ़ाया है, हेल्थ पावर जो बढ़ाया है उसका, वो इतना ऐसा मत करो। एक कैरेक्टर पर पूरा फोकस करो, पहले कैप्टन को लिया है तो कैप्टन को पूरा 70 करो, 70 करने के बाद में जो दूसरा कैरेक्टर है उसको एचपी इंक्रीज करो, मतलब हेल्थ पावर जो लेवल है उसका इंक्रीज करो, बाद में करना। पहले एक कैरेक्टर पर फोकस करो, उसके बाद में दूसरा कैरेक्टर, फिर तीसरा, फिर चौथा, सभी कैरेक्टर पर एक एक करके थोड़ा थोड़ा बांटूंगे तो फिर एक भी कैरेक्टर ना आपका सही समय पे, सही जगह पे, सही तरीके से इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, पावरफुल नहीं बनेगा ऐसे करोगे तो। इसलिए बोल रहा हूँ कि एक ही कैरेक्टर पे फोकस करो सबसे पहले, उसको जो उसकी लेवल है, जैसे लेवल से कैप्टन का 66 है तो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करो, उसको 70 करो पहले, उसके बाद में बाकी लोगों को बाद में देखना, ठीक है। तो थोड़ा 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 करने से अच्छा है एक कैरेक्टर पर पूरा फोकस करो। कभी कभी मैं दूसरा भी बोलता हूँ कि एक कैरेक्टर पे फोकस करने से अच्छा थोड़ा थोड़ा कैरेक्टर बाकी सब पे भी फोकस करो, वो बाकी थोड़े थोड़े मामले में था। लेकिन एचपी के मामले में जो लेवल का यहाँ पर 66 लेवल है तो उसको पहले कंप्लीट करो कैप्टन को 70, उसके बाद में इसको टायर टू करो। यहाँ पर गियर्स भी 2021 लग रहा है यहाँ पर, तो उसको भी पहले इम्प्रूवमेंट करो, उसके बाद में जाके आगे का स्पाइडरमैन का लेना। तो मैंने वैसे ही किया था, पहले मैंने 70 किया था कैप्टन को, डॉक्टर स्ट्रेंज को, उसके बाद में मैंने जाके बाद में फिर बाकी कैरेक्टर्स को किया, उसके पहले बार मैंने किसी को नहीं किया था। आयरन मैन का भी मेरा 62 है, ब्लैक विडो 61 पे, स्पाइडर मैन मेरा 66 पे लटका हुआ है, वो एंटी मैटर बहुत ज़्यादा खा रहा है, तो मैंने सोचा जान दूँ उसको, बाद में देखता हूँ। प्रोटेक्ट द कैप्टन, आईएसओड नहीं देना यहाँ पर, मैं इसके पहले भी बोल चुका हूँ। मेरा कैप्टन देख लो, मेरा स्पाइडर देख लो, मेरा आयरन देख लो, मेरा थॉर देख लो, मेरा सब कुछ देख लो, लेकिन फॉलो करो उसको, कॉपी करो, नहीं तो नहीं समझ में आता होगा। तो नेक्स्ट स्टडी,
कार्ड में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, उरु नहीं दिए, चलो ठीक है कोई बात नहीं, गलत उरु देने से अच्छा ना दो। यहाँ पर फिर से डिफेंस वाले उरु, फिर से बार बार क्यों ऐसा होता है पता नहीं। यहाँ पर भी फिर से वही, हल्क का जो ऑब्लिस्क है ना उसको चेंज करो, वो किसी काम का नहीं है, ना स्पाइडरमैन से बचाएगा आपको ना किसी स्टेज में काम आएगा, टोटली वेस्ट है, उसको चेंज करो। पॉइजन डैमेज करा काम कर गया खाओ पर, रिकवरी रेट किसी काम का नहीं, रिकवरी रेट आपके कार्ड में से ज़्यादा अच्छा रहेगा तो बेटर रहेगा, सभी को कम से कम रिकवरी तो मिलेगा सही समय पर। न्यू प्लेयर है ना ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं, इंप्रूवमेंट करते रहो, जो बेसिक इंप्रूवमेंट है सबसे पहले उरु ऑब्लिस्क आइसोइट, इसमें सबसे पहले इंप्रूवमेंट करो क्योंकि ये बेसिक है, अगर एक बार बेसिक आपका जम गया उसके बाद में आप किसी भी लेवल पे फिर खेल सकते हो फ्रीडली, फ्रीडम एकदम पावरफुल तरीके से। कार्ड में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, स्टार्टिंग के जो भी मैंने 30-35 मिनट का बोला वो सब कुछ आराम से देख के सोच के समझ के देख लो, उसको नोट कर लो, उसके बाद में ऐसा करना। हाउ टू सेट आईएसओट वीडियो देख लो, उसके बाद हाउ टू सेट उरु, उसके बाद हाउ टू सेट ऑब्लिस्क, ये पूरे तीन वीडियो देख लो कंटिन्यू। चलो नेक्स्ट, कार्ड में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, सही कार्ड लगाना पड़ेगा आपको समय के साथ साथ। अगर न्यू प्लेयर है तो ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन बेसिक जो इंप्रूवमेंट है वो करते रहना। उसके बाद में यहाँ पर हाउ टू सेट आईसोइट, हाउ टू सेट उरु, हाउ टू सेट ऑब्लिस्क, ये तीन वीडियो कंटिन्यू देख लो। उसके बाद नेक्स्ट आईडी चिंपांजी, ऐसी आईडी कौन बनाता है भाई, पूरा पूरा का पूरा कैपिटल में चिम, बड़ा अजीब नाम है। नाम उतना बुरा भी नहीं है लेकिन सही लगता है, कम से कम उनपड़ंग ऐसे नाम तो कुछ है नहीं जिससे कन्फ्यूजन हो। अच्छा चिंपन जी है, चिंपा जी मैं एन बोल रहा था वहाँ पर, चिंपा जी है, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ पर स्मॉल है, यहाँ पर मुझे कुछ गलत दिखाया गया, कैपिटल में लिख के दिखा दिया, बड़ी गलत बात है, बहुत गलत बात है। कार्ड में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसके बाद में कैप्टन का, थॉर का, हल्क का, बाकी का सबका बदला लेगा यह फैजल। चलो ये तो कॉमेडी का, कॉमेडी साइड बाय साइड रखना अपना, बाकी का यहाँ पर उरु अच्छे दिए हुए, बहुत ही बढ़िया उरु दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर डिफेंस टाइप का उरु है तो उसको रिमूव करो सबसे पहले। उसके बाद में यहाँ पर जो ओवरड्राइव दे रखा है कैप्टन को आईसाइड बहुत बढ़िया, उसके बाद में यहाँ पर फिजिकल डिफेंस का एक उरु दिखाया उसको रिमूव करो। डैमेज पक दिया है लेकिन क्रिटिकल डैमेज के साथ यहाँ पर कुछ और होता, गार्ड बैक इम्यूनिटी या फिर कुछ और बेटर, और डैमेज पक थोड़ा ज़्यादा बड़ा नंबर का होता तो बोर्ड बेटर रहता। चलो ठीक है बेसिक इम्प्रूवमेंट करते रहो, हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, कार्ड में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, नंबर काफ़ी अच्छे हैं आपके, स्टेट भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन उसके अंदर नंबर ज़्यादा चाहिए। ठीक है, जो बाकी के जो अभी प्लेयर्स के, जितने भी प्लेयर्स के अभी तक मैंने आईडी चेक किया, यानी अभी कितने मिनट तक
लगभग मैंने 40 मिनट के अंदर जो जो मैंने आईडी चेक किया उन सभी के आईडी देखो आप, कंपैरिजन करो खुद से, मतलब कितना ज़्यादा आपके पास वीकनेस है, कितना ज़्यादा आप पावरफुल बन सकते हो और कितना ज़्यादा उन लोगों के कंपैरिजन में आप कितना ज़्यादा पावरफुल हो, कितना ज़्यादा कहाँ का वीक है वो आपको पता चल जाएगा। फिजिकल डिफेंस, फिजिकल अटैक वाले जो उरू है, फिजिकल सॉरी डिफेंस वाले, वो उरू हटाओ डिफेंस वाले प्लीज़, एक ही बार 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 बोलने में मत, मैं क्या बोलूँ अभी। नेक्स्ट आईडी अरे हाँ याद आया, फ्यूरी से याद आया, फ्यूरी का जो कैप्टन मार्वल का जो ट्रेलर था उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फनी वहाँ पे मोमेंट देखने को मिला। एक कैट है, कैट या रेड स्कल है पता नहीं, या स्क्रल्स है, रेड स्कल नहीं सॉरी स्कल्स है पता नहीं क्या है वो, लेकिन उसके साथ खेलता हुआ वहाँ पे वो बिल्ले के साथ खेलता हुआ मिला गया, जो काफ़ी ज़्यादा फनी इमेज है। कार्ड में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसके बाद में यहाँ पर कैप्टन टायर 3 यहाँ पर सिटी भी दिया हुआ है। उसके बाद जो आई स्वेट है वो भी गलत, सॉरी आई स्वेट है गलत है, उरू गलत है, यहाँ पर आप जो सिटी भी दिया हुआ वो भी गलत जगह पर दिया हुआ है, तो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बेसिक इम्प्रूवमेंट करो। उसके बाद नेक्स्ट बहुत बढ़िया, दो प्रीमियम कार्ड लोकी के बहुत बढ़िया। उसके बाद में एक लोकी सिविल वार और गोइन पुल, मैं ऐसे ही अपने कार्ड कलेक्शन करने वाला हूँ, सेम ऐसे ही डुप्लीकेट, इसके अंदर बहुत अच्छे सेट होंगे मैं उम्मीद करता हूँ, बहुत ही बढ़िया एकदम मेरे जैसे, लेकिन थोड़ा कम है लेकिन मेरे जैसे लगभग। कैप्टन को दिया हुआ है रिकवरी 10% रिकवरी ऑफ मैक्सिमम एचपी, यहाँ पर मेरे पास जो कैप्टन का सिटी पी है ना उसके अंदर 20% रिकवरी ऑफ मैक्सिमम एचपी है, और गार्ड जो अगेंस्ट हीट है वो 6 है, तो यहाँ पर मेरा कैप्टन आपके कैप्टन से कई गुना ज़्यादा बेटर है और ज़्यादा पावरफुल है, और जो अटैक है वो 33,000 कुछ पड़ता है, तो यहाँ पर आपका कैप्टन का 31 पड़ रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पास में वीकनेस है और आई शुड भी कम रैंकिंग है, तो उस वजह से भी हो सकता है। यहाँ पर मैं उरू चेक करता हूँ, अगर उरू में कुछ मिला तो आपको ठीक करना पड़ेगा। यहाँ पर फिजिकल अटैक है उरू उसी हर गियर में दो दो है शायद, है दो दो है बहुत बढ़िया, और यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पर और एक लगाओ ताकि इसका फिजिकल अटैक ज़्यादा से ज़्यादा रहे। उसके बाद में रिकवरी रेट का नहीं दूंगे ना फिर भी चलेगा, क्योंकि ये जो सिटी पे है ना इसके अंदर अगर रिकवरी कर दिया आपने, समझ लो 20% रिकवरी ऑफ मैक्सिमम एचपी, नीचे में जो स्टेट है ये वाले जिसमें 10% का लिखा हुआ है उसके जगह पे अगर आप 20% का इसको रोल करोगे, इसको अपग्रेड करना पड़ेगा सिटी पी को, उसी के अंदर छेड़छाड़ नहीं करना लेकिन उसके अंदर रोल करना है आपको। कैसे करते हैं बताता हूँ, यहाँ पर एग्जांपल अभी मैं मेरे इन्वर्टिंग में चला जाता हूँ, यहाँ पर मैं आपको एक सिटी पी करके दिखाता हूँ, कस्टम के ले लिया मैंने, यहाँ पर ये वाला देखो, यहाँ पर माइंड डैमेज का है, इसको मैं अपग्रेड करता हूँ, देखो चेंज ऑप्शन में चला गया, यहाँ पर एक सभी मैक्सिमम जो यहाँ पर ऊपर दिख रहा है ना जो मैक्सिमम लेवल के जो ऑब्लिस्क है सिर्फ वही शो करेगा, इसको बोलते हैं अपग्रेड। तो सेम ऐसा ही आपको अपग्रेड करना है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सेम ऐसा ही अपग्रेड करना है आपको, वो सिर्फ हायर लेवल के ऑब्लिस्क शो करेगा, बाकी लो लेवल के ऑब्लिस्क जो है वो शो नहीं करेगा, तो उसके ज़रिए आप जो अपना कैप्टन जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल कर सकते हो। बहुत गंदी बदबू आ रही, कहाँ से आ रही है बदबू छी, पूरा वेदर खराब कर दिया छी। मेरा मूड पूरा ऑफ हो गया, किसने छोड़ी बदबू, जानते छोड़ो यार इग्नोर करो, आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर। अरे यार कितना गंदा पास आ रहा है,
हाउ टू सेट आयोसेट बोनस, उसका ही वीडियो देख लो। अगर आपके पास में गोल्ड नहीं होगा तो बात ठीक है, लेकिन आपको पता होगा तो फिर सेट करो, अच्छे वाले उरु सेट करो। ऐसे वाले देख के मतलब नहीं है, हाउ स्मार्ट रूम वाले आयोसेट मत दो, ये सब ये बकवास है। कार्ड में थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसके अंदर दो एनर्जी अटैक टाइप पूर्व एनर्जी कंपलसरी डालो, दो एनर्जी अटैक टाइप के, एचपी का कम रहेगा चलेगा, लेकिन दो एनर्जी अटैक टाइप के उरू डालो। कार्ड में थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सही ऑब्लिस्क, सही उरू, सही आयोसेट देना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका जो कैरेक्टर है वो वीक रहेगा। कार्ड में थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है।
हाउ टू सेट ऑब्लिस्क, हाउ टू सेट उरू, हाउ टू सेट आई स्वेट, ये सब वीडियो देख लो। ट्वेंटी फोर बॉम्ब, 24 बॉम्ब, एकदम घटिया और बकवास कार्ड है, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट चाहिए। भाई 24 बॉम्ब किसके आइडिया है भाई, एक तो बेसिक अपग्रेड करना पड़ेगा। हाउ टू सेट उरू, हाउ टू सेट ऑब्लिस्क, हाउ टू सेट आईसोइड, वो सब एकदम गलत तरीके से दिया हुआ है, बहुत ही गलत है, उसको चेंज करो। 24 बॉम्ब बड़े चिल्ला रहे थे वहाँ पे कमेंट में, मेरी चेक करो, मैं चेक करो, ये ऐसे चेक करूँ मैं, ये ऐसी आईडी चेक करूँ मैं, कितनी सारी मिस्टेक्स है, इम्प्रूवमेंट करो मेरे भाई, वरना कैरेक्टर बहुत वीक हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा। कोई भी स्टेज आप प्रॉपरली ठीक तरीके से पावरफुल तरीके से टाइमिंग के अंदर नहीं क्लियर कर पाओगे, बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, कोई मतलब नहीं ऐसे देकर गलतियाँ करके। गोल्ड है तो उसको चेंज करो, और नहीं है तो फिर समय के साथ साथ चेंज करते रहना। भाई सकल डेथ मास्टर के टीम अलायंस में हो तो वहाँ पर एक थोड़ा वीकनेस है, जो स्पाइडरमैन है उसके पास वेब इम्यूनिटी ऑलरेडी है, उसको स्पाइडरमैन का जो वेब इम्यूनिटी वाला जो ऑब्लिस्क है वो इसको ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर से ये रिमूव करो, उसके जगह पे कौन सा लगाना पता था, गार्ड बेक इम्यूनिटी प्लस क्रिटिकल डैमेज प्लस इनविजिबल, या फिर गार्ड बेक क्रिटिकल डैमेज इनविजिबल, या फिर कुछ और फियर इफेक्ट हो गया या कुछ और।
भाई केतन भाई, थोड़े से यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बाकी सब एकदम ठीक ठाक है। कार्ड में थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। कार्ड में थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हाउ टू सेट ISO 8 ये वीडियो देख लो थोड़ा एक बार। हाउ टू सेट उरू ये वीडियो भी देख लो। कार्ड में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हाउ टू सेट ऑब्लिस्क, हाउ टू सेट उरू, हाउ टू सेट ISO 8 उरू ऑब्लिस्क, ये तीन वीडियो देख लो कंटिन्यूसली, समझ में आएगा क्या करना क्या है। कार्ड में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हाउ टू सेट ISO 8, हाउ टू सेट उरू, हाउ टू सेट ऑब्लिस्क, ये तीन वीडियो देख लो, उसके बाद में जो वीडियो बताऊंगा वो देख लेना।
कार्ड में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हाउ टू सेट आईओएस 8, हाउ टू सेट उरू, हाउ टू सेट ऑब्लिस्क, ये तीन वीडियो देख लो जो कि मैंने बनाया है, मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ जाके देख लो अभी और इसी वक्त। कार्ड में तो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बाकी सब एकदम फर्स्ट क्लास है। हाउ टू सेट उरू, हाउ टू सेट आईओएस 8, हाउ टू सेट ऑब्लिस्क, ये तीन वीडियो देख लो जाके समझ में आएगा क्या करना है। कार्ड में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। कार्ड में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बाकी सब एकदम फर्स्ट क्लास है। हाउ टू सेट उरू, हाउ टू सेट ऑब्लिस्क, हाउ टू सेट आईओएस 8, ये सब तीन वीडियो देख लो कंटिन्यूसली, आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, किसको क्या देना है। कार्ड में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बाकी एकदम सब ठीक ठाक लग रहा है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है यहाँ पर, तो अपना इम्प्रूवमेंट चालू रखो और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करते रहो।
कार्ड में थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। कार्ड में थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हाउ टू सेट आयोजोइट, हाउ टू सेट उरू, हाउ टू सेट ऑब्लिस्क, ये तीन वीडियो कंटिन्यूसली देख लो। आपको लिंक मेरे वीडियो के एवरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाके देखो, सोचो समझो, देखो सोचो करो लिखो टिप्स करो फिर करो। कार्ड में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, न्यू प्लेयर है तो थोड़ा सा ध्यान रखना कार्ड की तरफ। हाउ टू सेट आयोसाइट, हाउ टू सेट उरू, हाउ टू सेट ऑब्लिस्क, ये तीन वीडियो देख लो। मेरे लिंक जो है मेरे वीडियो के एवरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ जाके देखो। कार्ड में थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हाउ टू सेट आयोसाइट, हाउ टू सेट उरू, हाउ टू सेट ऑब्लिस्क, ये तीन वीडियो देख लो। लिंक मेरे एवरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ जाकर देखो।
भाई सेलनेस मेरे भाई सुनो, अभी तूने बहुत बार कमेंट किया था, मैंने कमेंट तेरे रीड कर रहा था, एवरी वीडियो में तूने अपना एक कमेंट छोड़ा हुआ है जिसमें तूने बोला था कि प्लीज़ प्लीज़ मेरी आईडी चेक कर लेना। तो अभी सुन मेरे भाई, ध्यान से सुन, अभी गौर से सुन, यहाँ पर जो ये जो ग्रीन स्टेट है ये किसी भी काम का नहीं है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर तेरे इसमें इग्नोर डिफेंस कम है, इग्नोर डिफेंस, एनर्जी अटैक कम है, फिजिकल अटैक भी कम है, ऑल अटैक ठीक है, नॉर्मल प्लेयर के कंपैरिजन में ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत नंबर बढ़ाना पड़ेगा। कूलडाउन ड्यूरेशन 21% पे है, बाकी की चीज़ें भी इंप्रूवमेंट करनी है, वो स्टेट को रिमूव करना थोड़ा सा, वहाँ पर मैं कार्ड भी थोड़ा देख लेता हूँ। भाई जिसके पास ये कैरेक्टर है उसको तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, मेरी तो कोई मजाल ही नहीं है बोलने की। भाई एक चीज बताना, पैसे का पेड़ लगाए के घर पे बस बजा देने। आज तो मैं आईडी चेकिंग की पूरी आईडी चेक करके लेता हूँ, एक पन्ना और बचा है वो बस ख़त्म ही करना है, लगभग हो ही गया है, बस कंटिन्यू करता रहूँगा तो हो जाएगा। आईडी थोड़ा सा यहाँ पर जो कार्ड है उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हाउ टू सेट आईओसेट, हाउ टू सेट रू, हाउ टू सेट ऑब्लिस्क, ये तीन वीडियो कंटिन्यूसली देख लो, लिंक मेरे एवरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कार्ड में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आईसोएट जो है वो गलत दिया हुआ है, तो आईसोएट की वीडियो देख लो एक बार, उसके बाद में उरू के एक वीडियो देख लो और ऑब्लिस के एक वीडियो देख लो। चलो एक हो गया पन्ना ख़त्म, अब दूसरा पन्ना, अब दूसरे पन्ने पे लिखिए, करीब करीब एक आधा पन्ना भर चुका है, उसको कंप्लीट करता हूँ अभी। यहाँ पर सबसे ऊपर में नाम है अल्ट्रा चॉइस, अल तारा चॉइस। कार्ड में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है।
हाउ टू सेट आयोसाइट, हाउ टू सेट ऑब्लिस्क, हाउ टू सेट उरू, ये तीन वीडियो कंटिन्यूसली देख लो। लिंक मेरे एवरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लो। हाउ टू सेट कार्ड, हाउ टू सेट उरू, हाउ टू सेट ऑब्लिस्क, हाउ टू सेट ETC सबको वीडियो देख लो, खत्म बात। हाउ टू सेट थोड़ा कार्ड में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसके बाद में हाउ टू सेट आईसोट। मेरे ख्याल से आपको आईसोट का नॉलेज होगा, यहाँ पे थोड़ा गोल्ड की कमी की वजह से अगर आईसोट गलत दिया हुआ है तो उसको सही कर देना। हाउ टू सेट आईसोट एक बार वीडियो देख ही लो। कार्ड में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बहुत बढ़िया, एक थोड़ा गलती कर दी, वो ये जो CTP है, ये CTP स्पाइडरमैन को नहीं देना है, ये CTP ऐसे कैरेक्टर को देना है जो कंटिन्यूसली डैमेज करता हो, जैसे कि केबल, डेडपूल और थॉर। कचरा क्यों लगा रखा है, कचरा रिमूव करो। कार्ड में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है।
उरू कैसे लगाते हैं वो देख लो एक बार, मेरा वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा। कार्ड में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हाउ टू सेट ऑब्लिस्क, हाउ टू सेट उरू, हाउ टू सेट आई स्वेट, ये तीन वीडियो देख लो। कार्ड इम्प्रूवमेंट करो। हाउ टू सेट आईएसओएट, हाउ टू सेट उरू, हाउ टू सेट ऑब्लिस्क, ये तीन वीडियो देख लो कंटिन्यूसली, आपको समझ में आएंगे कि एग्जैक्टली करना क्या है। हाउ टू सेट ऑब्लिस्क, हाउ टू सेट उरू, हाउ टू सेट गियर्स, ऑब्लिस्क, आई स्वेट, ये तीन वीडियो देख लो। फ्रेंड लिस्ट की अलग से बनेगा, थोड़ा वेट करो, थोड़ा मुझे समय दो, संडे को मैं बना देता हूँ, संडे या सैटरडे। ऑलरेडी मैं आईडी चेक कर चुका हूँ, चलो नेक्स्ट। कार्ड में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, सही कार्ड लगाना है आपको, कार्ड कैसे लगाना है वो भी थोड़ा वीडियो देख लो, मैंने बताया हुआ है। कूल डाउन ड्यूरेशन, इग्नोर डिफेंस, मैक्सिमम एचपी, रिकवरी अटैक, अटैक स्पीड, ऑल अटैक, सब कुछ मैंने बताया हुआ है कैसे लगाना है, देख लो।
हाउ टू सेट उरू, हाउ टू सेट ऑब्लिस्क, हाउ टू सेट आयोसोइड, ये तीन वीडियो देख लो, समझ में आएंगे कैसे करना है। हाउ टू सेट कार्ड, ये वीडियो देख लो, इम्प्रूव कार्ड में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। हाउ टू सेट आयोसोइड, हाउ टू सेट उरू, हाउ टू सेट ऑब्लिस्क, हाउ टू सेट, हाउ टू सेट पूरा देख लो कैसे लगाना है। कार्ड में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इसकी आईडी भी पहले भी मैंने चेक किया था। ये आईडी में मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ। रमेश मेरे भाई, अभी भी जैसे जैसे तू नैप ले रहे, तेरे पास अच्छे कार्ड नहीं है, ठीक है। उसके बाद में तेरे पास जो बेसिक अपग्रेड्स है वो भी अच्छे तरीके से नहीं है, तो एक काम कर, बेसिक पहले जो है ना उस पर ध्यान दे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं आईडी चेकिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट करूँगा और रूल्स और रेगुलेशन क्रिएट करूँगा। अभी थोड़ा सा जाने दो, अभी थोड़ा सा जो बेसिक आपका जो इम्प्रूवमेंट है वो करना है आपको, जैसे आईसोइड लगाना है, ऑब्लिस्क है, उरू है, ये सब आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने बेसिक जो इम्प्रूवमेंट है उसके ऊपर लगे रहो। कार्ड में थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बहुत बढ़िया, कार्ड में थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हाउ टू सेट आयोसोइड, हाउ टू सेट उरू, हाउ टू सेट ऑब्लिस्क, ये तीन वीडियो देख लो, लिंक मेरे एवरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू। कार्ड में थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है।
बहुत बढ़िया। चलो ये अभी ये पन्ना भी ख़त्म हो गया, लगभग बचा थोड़ा सा। कार्ड में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हाउ टू सेट आईएसओएट, हाउ टू सेट उरू, हाउ टू सेट ऑब्लिस्क, ये थोड़ा वीडियो देखना, आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली करना क्या है, कैसे करते हैं। हाउ टू सेट कार्ड, ये वीडियो देख लो थोड़ा सा, और कार्ड में थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। चलो ठीक है, बाकी सब ठीक ठाक है, कोई भी ऐसी मिस्टेक नहीं है, बहुत बढ़िया। कार्ड में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, थोड़ा सा नंबर बढ़ाने की ज़रूरत है। कार्ड में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हाउ टू सेट आईएसओएट, हाउ टू सेट उरू, हाउ टू सेट ऑब्लिस्क, ये वीडियो देख लो, आपके बहुत काम आएगा। कार्ड में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हाउ टू सेट आईएसओएट, हाउ टू सेट उरू, हाउ टू सेट ऑब्लिस्क, ये वीडियो देख लो, बहुत काम आएगा आपके।
बहुत बढ़िया, वाह ऑसम। थोड़ा आईसोट में गड़बड़ है, आईसोट ठीक करो। चलो आईडी चेकिंग की वीडियो हो गई पूरी कंप्लीट और आईडी पूरी लेकर हो गई है, तो नेक्स्ट आईडी चेकिंग की वीडियो करूँगा लगभग 2 महीने बाद। तो प्लीज़ लगे शेयर इसका मैन थैंक यू, और हो सके तो मैं जनवरी में करूँगा। तो इसी बात पे ठोको ताली और बस बहुत हो गया, मेरी कैपेसिटी हो गई खत्म और अभी मैं बरता हूँ बंद। ठीक है, नेक्स्ट आईडी जब मैं करूँगा तब रूल्स और रेगुलेशन के साथ करूँगा। चलो बाय।